गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ ईशान राय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास एक बहुत ही डिसेंट गाड़ी आई है हमारे पास। अपने i20 बहुत सी मॉडिफिकेशंस देखी होंगी, लेकिन आज जो गाड़ी लेकर आया हूँ वो है टाटा की अल्ट्रोस, और इसमें बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप फ्रंट की तरफ ही चलें, ये बेस मॉडल था या बेस से एक ऊपर था, एंड उसके बाद इस पर जो मॉडिफिकेशन कराई गई है उससे इस गाड़ी की जो वैल्यू बढ़ी है वो अलग ही लेवल पर चली गई है। तो अगर आप फ्रंट की तरफ ही देखें तो फ्रंट में आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रंट की जो ग्रिल है ये आपको जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसमें ही देखने को मिलती है, जो ब्लैक ग्लॉस में आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उसी के साथ बैजिंग है, बहुत नॉर्मल है, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लैकिश टिंट कराया गया है, सो दैट थोड़ा गाड़ी का लुक जो है वो एग्रेसिव सा लगे। साइड की तरफ अगर आप आएँ तो साइड में आपको नॉर्मल देखने को मिल सकता है, साइड में आपको यहाँ नियो व्हील्स की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, और ये जो आपके व्हील साइज़ हैं ये 14 इंची के आपने टायर लगवा रखे हैं, 185/70R14, 185/70R14। तो यहाँ पे आपको ये गाड़ी देखने को साइड प्रोफाइल में देखने को मिल रही है। उसी के साथ जो हमारे साइड मिरर्स हैं इन पर भी आपने ब्लैक ग्लॉस का ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है। ऊपर आपकी अगर आप रूफ़ की तरफ देखें, रूफ़ में आपको इसमें सनरूफ तो नहीं, लेकिन इन्होंने ब्लैक का ट्रीटमेंट कराया हुआ है जिससे कि गाड़ी का जो लुक है, और इसके ऊपर अभी ओस पड़ी है तो गाड़ी की उस पर मत जाइएगा, उस पर ओस पड़ी हुई है। तो अगर हम साइड की तरफ देखें आपको यहाँ पे एक ब्लैक ट्रीटमेंट साथ साथ पीछे पीछे चलता हुआ देखने को मिल ही रहा है। उसी के साथ अगर हम पीछे की तरफ आएँ, पीछे में इस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही एग्रेसिव लुक है, और अगर मैं सच बताऊं तो इस बूट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप हैरान रहने वाले हैं। तो पहले मैं इसी से शुरू करता हूं। तो इस बूट के अंदर है JBL के कुछ इतना बड़ा अपने पास म्यूज़िक सिस्टम है, JBL का इतना बड़ा बॉक्स इन्होंने लगवाया है। उसी के साथ साथ यहां पे आपको साइड में भी प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगी, और इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें ऐसी सी चीज़ें लगी हुई हैं। अभी हम इसको प्ले करके भी दिखाएंगे कि कैसा है। वहीं अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे आपको अल्ट्रोस की ब्रांडिंग देखने को मिल ही रही है। उसी की तरफ अगर हम फिर से इस तरफ आएँ साइड की तरफ, तो आपको इस गाड़ी में पता ही है कि स्पेशल चीज़ जो है वो ऐसे गेट खुलते हैं इसके, और पीछे में भी अगर आप अंदर, अभी नहीं ब्रो, अभी अंदर नहीं जाएंगे, अंदर में बहुत स्पेशल चीज़ है। तो अब आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम अंदर की तरफ आएँ तो अंदर में आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल ही रहा है। ट्रीटमेंट इन द सेंस जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर में आपको नॉर्मल टच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट, पायनियर के ट्विटर्स की प्लेसमेंट कर रखी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चाबी लगाने का स्लॉट है वहाँ पे आपको ये लाइट देखने को मिल रही है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको ऐसा मिलता है। अब इसके बाद अगर मैं बाकी बातों में इसका अगर हम चाबी देखें तो इसकी चाबी कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है। उसमें अगर हम इसको इग्निशन ऑन करते हैं, इसके गेट बंद कर दिए जाए एक बार, इसका भी अभी आवाज़ बंद करिए, आपने आवाज़ सुनी अभी, ये कुछ भी नहीं थी, इसमें बेस अभी लगाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप इंटीरियर में देखें, इंटीरियर में आपको नॉर्मल प्लास्टिक नॉब देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इसमें यहाँ लाइटिंग का काम किया हुआ है, लाइटिंग और इसमें इंटीरियर का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। यहाँ पे आपको रूफ़ में भी आपको यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल रही है। ये रूफ़ में इन्होंने स्टार लाइटिंग करा रखी है, अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको। उसी के साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो मैट्स आपको देखने को मिल रही हैं, मैट्स बहुत अच्छी काम करवाया हुआ है। उसी के साथ सीट्स पे भी आपको अच्छी खासी सीटिंग पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। आपको जो स्टेयरिंग का काम है ये भी बहुत प्यारा है। अगर हम इसके इग्निशन को ऑन करें तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप पूरी एक बार सुई को पूरा जाते हुए देख रहे हैं। उसी के साथ साथ इसमें क्योंकि ये टॉप मोस्ट वेरियंट नहीं है तो आपको ऑटो एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। उसी के साथ नॉर्मल सा अच्छा खासा हॉर्न लगा हुआ है। उसके साथ अगर हम इसके अब म्यूज़िक सिस्टम की ओर बढ़ें, म्यूज़िक सिस्टम में आपको म्यूज़िक सुना देता हूँ इसका। फुल कर दीजिए। आपने कुछ गाने आवाज़ सुन ली, बहुत लाउड है, एक्सट्रीमली लाउड है इसकी आवाज़। तो कुछ ये था, पीछे की तरफ चलते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ स्टार जो आपको रोल्स रॉयस में देखने को मिलता है, कुछ ऐसी लाइटिंग को देखने मिलती है, और इसका कंट्रोल कुछ ऐसा है। तो ये मल्टी कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड ये देखिए ब्लू में अभी आप देख रहे हैं, और
इसको हम बंद कर देते हैं, चलो पीछे की तरफ चलते हैं ब्रो। अगर हम पीछे की तरफ में आए, पीछे में भी आपको अच्छी खासी सीटिंग देखने को मिल रही है, काम बहुत बढ़िया क्लास का कराया हुआ है एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत क्लीन है, कुछ ज़्यादा कुछ है, इन्होंने काम नहीं भी करा के भी बहुत डिसेंट काम कराया हुआ है। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको जो विंडोज़ के लिए पावर विंडोज़ का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा आपको इंटीरियर का काम करके मिला हुआ है। तो अगर बात करी जाए इस गाड़ी की, सो दिस कार इज़ फॉर सेल एंड हाँ, ये गाड़ी आप ऐसे ही इतनी ही अच्छी कंडीशन में पूरी मॉडिफाइड आप ख़रीद सकते हैं इस गाड़ी को। एंड आपको अगर इसके गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना है तो आई विल गेट द डिटेल्स फॉर द कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप वहाँ से देख सकते हैं इस गाड़ी को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।